अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलियत जमल और आज भी हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के ऊपर। आपको पता है जी, इंग्लिश एसे का सीएसएस 23 का जो पेपर है वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल आया है और काफ़ी लोगों ने कहा था जी कि इंडिविजुअली टॉपिक्स को आप थोड़ा सा एड्रेस करें। तो एक दफ़ा तो जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया था, डिटेल जो एक लंबी वीडियो थी उसका भी लिंक आपके लिए आई के बटन में ऊपर मौजूद है। उसके अलावा अब हम इंडिविजुअली हर टॉपिक को डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ आपके लिए हेल्पिंग मटेरियल हो सकता है, आर्गूमेंट्स आपको मिल सकते हैं, आप उसमें अपने आर्गूमेंट्स वगैरह ऐड करके अपनी आउटलाइन डेवलप कर सकते हैं। दीज आर नॉट आउटलाइंस ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं आपको पता है जो लोग मेरे से वैल्यूएशन करवाते हैं कि उनको मैं समझा देता हूँ लेकिन मैं उनको कभी भी आउटलाइन बना के नहीं देता कि ये लिखनी है आपने। आप अपनी आउटलाइन बनाएं, खुद बनाएं, आपकी क्रिएटिव राइटिंग जो है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो है वो चेक होती हैं। तो यू शुड गो थ्रू दैट एक्सरसाइज। और जिन लोगों ने अभी भी इवेल्यूशन करवानी है, सीएसएस इज़ ऑलमोस्ट ओवर, तो जिन लोगों ने पीएमएस वगैरह के लिए इवेल्यूशन करवानी है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इवेल्यूशन के लिए साइन अप कर सकते हैं एंड गेट योर एसेज इवेल्यूटेड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि पीएमएस में भी एसे जो है काफ़ी टारगेट होता है। सो कमिंग बैक टू टूडेज वीडियो, टूडे वी हैव नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। इस टॉपिक को हम एनालाइज करेंगे जी। वी हैव पॉसिबल डायरेक्शंस, पहले तो मैंने आपके लिए निकाली है। एक तो ये है कि आप उसके साथ कहें जी कि जी बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है और उनको होना भी नहीं चाहिए या ये ज़रूरी भी नहीं है उनके लिए, ठीक है। आप उनका कोई मकसद ही और है एंड दैट इज़ वाई दे मस्ट ऑलवेज बी परस्यूड। एक तो ये डायरेक्शन है। दूसरी है कि जी ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है लेकिन उनको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है, कुछ अप्रोचेज हैं, कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं, कुछ वेज फॉरवर्ड हैं, या जो भी आप उसको कहना चाहें, फेयर वे फॉरवर्ड अप्रोचेज हम उनको नॉर्मली कहते हैं, ठीक है जी। तो ये दो पॉसिबल डायरेक्शन है, इसके अलावा कोई खास डायरेक्शन मुझे अच्छी मिली नहीं है। द रीज़न इज़ के दिस इज़ मोर ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक अलॉन्ग विद अ पर्टिकुलर स्टांस। आप कोई एक स्टांस लेके उसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं कि जी ये चीज़ है और उसके आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे, फिर चैलेंजेस, कॉजेज, इफेक्ट, सोल्यूशन वगैरह जो भी है, जो भी आप उसमें से लिखना चाहें, दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है जी। और थोड़े से जो जनरल पॉइंट्स मैंने आपके लिए निकाले हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अब जो रिसाइकलिंग इज़ इंडिस्पेंसेबल, रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है, रिसाइकलिंग इज़ नेसेसरी, रिसाइकलिंग के प्रो क्या है, रिसाइकलिंग क्यों अच्छी है, ऑल दैट, उन सारों में ये वाले पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा भी पॉइंट्स होंगे लेकिन कुछ ये पॉइंट्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं, इनमें आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग या जो आपकी स्टेटमेंट है उस सेक्शन की वो वेरी करेगी, डिपेंड ऑन के आप क्या लिखना चाह रहे हैं और उसी के हवाले से आप इन पॉइंट्स को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चाहे अब ये दोनों थीम्स जो हैं, दोनों डायरेक्शंस ऐसी हैं कि दोनों में ही ये रिसाइकलिंग इज इंडिस्पेंसेबल वाला पोर्शन तो आ जाएगा। द रीज़न इज़ के दे डोंट हैव टू बी इधर के जनाब, रिसाइकलिंग को जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, रिसाइकलिंग जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बगैर भी इंडिस्पेंसेबल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वेस्ट रिडक्शन करनी है, पोल्यूशन कंट्रोल करनी है, एनवायरमेंट को बचाना है एंड ऑल दैट, ठीक है जी। और अगर आपने उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए भी आप पहले ये बताएंगे कि जी रिसाइकलिंग क्यों ज़रूरी है, हम रिसाइकलिंग करते क्यों हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ दिस टॉपिक बेसिकली, कि आप एक तो ये वाला पोर्शन जो है ये यूज़ कर सकते हैं जगह जगह, फिर आप उसके चैलेंजेस, प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह बताएंगे, इफेक्ट्स वगैरह की तरफ जाके, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर थीसिस स्टेटमेंट। रिसाइकलिंग इज़ इंडिस्पेंसेबल, वेस्ट रिडक्शन है जनाब, पहले रिसाइकलिंग जो है आप करते हैं तो उससे वेस्ट रिडक्शन होती है, सारा का सारा जो वेस्ट है इट इज़ मोस्ट ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स, और फिर आप उनको किसी दूसरी फॉर्म में यूज़ करने के काबिल हो जाते हैं, तो वेस्ट रिड्यूस होता है, आपके पास टन्स ऑफ वेस्ट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है जी। फिर है जी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि आप बजाय ये कि हर दफ़ा कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर कोई दूसरी प्रोडक्ट बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का यूज़ करें, आप जो ऑलरेडी आपके पास वेस्ट मटेरियल है या फिर यू कह लें कि जो रिफ्यूज़ है जिसको आप यूज़ करके फेंक देते हैं, ठीक है, उसको अगर आप रिसाइकिल करते हैं तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन कम पड़ता है, यू विल हैव टू मैन्युफैक्चर लेस, यू विल हैव टू लेस यूज लेस नेचुरल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट योर नीड्स। लेकिन उसमें अगेन एक प्रॉब्लम ये है कि बिहेवियर का, वी आर वेरी लेस लाइकली टू यूज़ द रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, खासकर जो बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह इस तरह के ममालिक या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़,
उनमें थोड़ा सा होता है कि वो रिसाइकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से कतराते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के पास अगर आप जाएँ तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिसाइकलेबल बनाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि जी ये पहली दफ़ा फर्स्ट यूज़र ने यूज़ करना है, फिर वो जब फेंकेगा तो उसको हम रिसाइकल करके दोबारा बेच सकते हैं, एंड दे आर हैप्पी टू यूज़ दोज। ठीक है जी, ये भी चीज़ है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया जी। फिर है जी इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी, अगर आप रिसाइकलिंग करते हैं तो वेस्ट मटेरियल जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को पॉइजन नहीं करता, उसको पोल्यूट नहीं करता, एंड दैट मीन्स कि यू विल बी एबल टू ब्रीथ इन अ हेल्थियर एयर, एंड दैट विल हैव अल्टीमेटली अ फुलफिलिंग इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होगी, आप बार बार बीमार नहीं होते, और आपके यू आर एक्सपोज टू लेस डेंजरस वेस्ट। ठीक है जी, इन कंट्रास्ट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेस्ट है पड़ा हुआ है, किसी ने उसको रिसाइकल नहीं किया, तो उसमें से जितनी गैसेस निकलेंगी या उससे जितनी टॉक्सिक मटेरियल्स लीच करेंगे आपके ग्राउंड वाटर में, उससे आपके हेल्थ क्राइसिस होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। जितनी आप रिसाइकलिंग ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने के चांसेस होते हैं, ताकि आपके यू आर नॉट एक्सपोज टू डेंजरस या टॉक्सिक मटीरियल्स। ठीक है जी, फिर है जी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि डिग्रेड हो रहा है। हम लोग UNFCCC जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसको भी प्रमोट करते हैं, फिर COP हर साल होती है, एंड वी आर ट्राइंग टू अरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग, एंड वी आर ट्राइंग टू स्टॉप या फिर काउंटर एक्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो उस सब के लिए रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप मज़ीद प्रोडक्शन करते जाएंगे, मज़ीद मटेरियल्स ऐड होते जाएंगे, मज़ीद इंडस्ट्रीज चलती जाएंगी, तो उससे अल्टीमेटली इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप रिसाइकलिंग करते हैं तो दैट हैज़ द एडिड बेनिफिट के इन्वायरमेंट जो है वो रिपेयर होता है। इन्वायरमेंट के जो चीज़ें ग्लोबल जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो आपकी कम होंगी, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो अगर आपके कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कुछ मटीरियल जो है वो रिसाइकिल कर दी। ठीक है जी, फिर है जी सस्टेनेबल लिविंग, के रिसाइकलिंग इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग को या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ कैरीड आउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन कैपेबिलिटी टू सस्टेन इट सेल्फ या फिर टू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ। ठीक है, बुक की जो डेफिनेशन है वो आप कहीं से भी देख सकते हैं, दिस इज मोर और लेस द जिस्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो सस्टेनेबल लाइफ के लिए या ज़िंदगी को अर्थ के ऊपर सस्टेनेबल तरीके से गुजारने के लिए यू हैव टू हैव रिसाइकलिंग, उसके अलावा चारा नहीं है आपके लिए, स्पेशली इन द करंट एरा के जिसमें जनाब न्यू लिबरल कॉरपोरेटिज्म है या फिर कमर्शलिज्म या कमोडिफिकेशन है सारी चीज़ों की, तो उसमें कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ती है आपको। यू हैव टू मीट द नीड्स एज वेल एज लग्जरीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल, तो वो सारा कुछ जो है वो आप करंट फ्रेम ऑफ वर्क में या फिर रिसाइकल किए बगैर नहीं कर सकते। अल्टीमेटली देर विल बी अ लॉट ऑफ वेस्टेज दैट विल बी लाइंग आउटसाइड योर हाउस। ठीक है, सो फॉर सस्टेनेबल लिविंग रिसाइकलिंग इज इंडिस्पेंसिबल। फिर है जी न्यू न्यू जॉब्स एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आपको पता है जी कि जॉब्स जो है वो ऑलरेडी श्रिंक कर रही हैं, या फिर यूँ कह लें कि जॉब्स का नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, जो AI की आमद के बाद और उसके अलावा IT और ऑटोमेशन की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है उनकी जॉब्स जो है डिस्टर्ब हुई हैं, कुछ लोगों को नई स्किल्स सीखनी पड़ी, कुछ लोगों को दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट होना पड़ा, तो उसकी वजह से जॉब साइकिल जो है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। तो इस सारे फ्रेमवर्क के अंदर या इस सारे को देखते हुए रिसाइकलिंग इज़ वन थिंग दैट कैन बी हेल्पफुल एज वेल, कि आप नई जॉब्स इससे क्रिएट करते हैं। भाई जिसने ट्रांसपोर्ट करना है वेस्ट वो उसके लिए भी जॉब होगी, जिसने उधर उसको प्रोसेस करना है या फिर प्रोसेस करने में 3-4 मजदूर लगेंगे जिन्होंने भी करना है उनकी भी जॉब होगी, फिर जिसने उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करनी है या ओवरसीयर जो होगा जो कि उन सारों को मैनेज करेगा बेसिकली वो भी होगा, फिर शिफ्ट्स में होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुबह 8 से 4 बजे तक लगाएंगे रिसाइकलिंग प्लांट, ये कॉन्टिन्यूसली चलते हैं क्योंकि हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सही है, तो न्यू जॉब्स जो हैं डेफिनेटली दे विल बी देयर एंड इट विल ऑल्सो हैव इकोनॉमिक बेनिफिट्स। काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जैसे वेस्ट में हैं जो कि रिसाइकलिंग प्लांट्स जो हैं या फिर जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करती हैं,
जिन इंडस्ट्रीज के पास अपने रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं या वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है उसको रिसाइकल करते हैं, दे आर गिवन टैक्स ब्रेक्स, दे आर गिवन इंसेंटिव्स, या फिर सिंपली कैश हैंडआउट्स उनको मिल जाते हैं, और इवन उनके मुकाबले होते हैं जी कि सबसे ज़्यादा रिसाइकल किस इंडस्ट्री ने किया, उसको नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, फिर उसकी वजह से उसकी रिकग्निशन और रेपुटेशन बेहतर होती है। इट ऑल इज़ कनेक्टेड, ठीक है जी। सो रिसाइकलिंग इज इंडिस्पेंसिबल, रिसाइकलिंग इज़ वेरी हेल्पफुल, एवरीथिंग ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू चैलेंजेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स। अब हम एस्यूम कर रहे हैं कि हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं, या फिर हम उसके बारे में वरीड हैं कि वो क्यों कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रीजन हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। ट्रांसपोर्टेशन है जी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप एक जगह से दूसरी जगह जब वेस्ट लेके जाएंगे तो उसको जाहिर है आप किसी ट्रक में या फिर लोडर किसी चीज़ के ऊपर लोड करके लेके जाएंगे, उसमें फिर जो लेबर है आपकी वो भी होगी, फिर टाइम भी होगा, और जो फ्यूल उसने यूज़ करना है उसकी भी कॉस्ट है। और आपको पता है कि ग्लोबली फ्यूल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और लॉजिस्टिक्स है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं या रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो वाइबल नहीं है, दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। एक तो ये हो गया। दूसरा है जी लैक ऑफ इफेक्टिव वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज, के हम वेस्ट रिड्यूस नहीं करना चाह रहे, वेस्ट को रिड्यूस करने की हमारे पास अच्छी स्ट्रेटजीज नहीं है। क्या है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, जैसे लेदर है या फिर कोई कपड़े वगैरह की इंडस्ट्री है, तो उधर से जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है या फिर छोटे कट पीसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनसे आप कोई दूसरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कोई हाउस होल्ड आइटम्स बना सकते हैं, या फिर एनीथिंग एल्स, कोई डेकोरेशन पीसेज आप बना सकते हैं। लेकिन हम उसको वेस्ट कर देते हैं कि जी ये वेस्ट है, इसको जला दें या इसको कहीं भी फेंक दें, व्हाट्स एवर, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इफेक्टिव वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट गोज आउट ऑफ द इंडस्ट्री और आउट ऑफ द हाउस और आउट ऑफ द ऑफिस, ठीक है। उसको दोबारा रीयूज करें, उसके नए यूजेस सीखें और मॉडिफाई करें उसका यूज़। अल्टीमेटली यू विल हैव लेसर वेस्ट, और लेसर वेस्ट होगा दैट मीन्स यू विल हैव टू हैव लेसर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स, या फिर रिसाइकलिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बोझ कम पड़ेगा और फिर वो इफेक्टिवली काम कर सकेगी और वेस्ट को हैंडल कर सकेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेड फंडिंग एंड रिसोर्सेज, के आजकल के दौर में जनाब जो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हमारे पास फंडिंग नहीं है। हम लोग जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो रिसाइकलिंग है उसके प्लांट्स हम नहीं लगा रहे, और ये इसीलिए है, मेनली ये है भी इसीलिए क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव या बिजनेस मॉडल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने उसने प्रॉफिट उसमें से प्रॉफिटेयरिंग करनी है या आपको उसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, जिसकी वजह से जी कोई जेफ बिजोस है या इलॉन मस्क है वो बहुत बड़ा रिसाइकलिंग का प्लांट लगा दे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। यही वजह है कि उसके लिए फंडिंग भी कम है और रिसोर्सेज कम है। मोस्टली ये गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज भी रिसाइकलिंग करती हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर, फॉर एग्जांपल यूरोप या टर्की वगैरह में, वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो कि रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स रन कर रही हैं। पोलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू, फिर रिसाइकलिंग जो है उसको पोलिटिसाइज कर दिया जाता है कि हाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है, नहीं हमारी गवर्नमेंट जी आएगी तो हम रिसाइकलिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने मजीद प्रोडक्शन करनी है और प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, अगर हम रिसाइकल करना शुरू हो जाएंगे तो दैट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी। ऑल सॉर्ट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर देयर, द पॉइंट इज के इट इज़ पोलिटिसाइज, इट इज़ कॉम्प्रोमाइज, या फिर इसके बारे में वो कहते हैं जी कि नहीं बस नहीं करना, ठीक है। फिर है जी कॉर्पोरेट कंट्रोल एंड लॉबिंग बाय द इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज या फिर जो एलिट्स जो हैं वो वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वो लॉबिंग करते हैं, दे फॉर्म इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड दे अफेक्ट द लेजिस्लेटर्स, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर जो पार्लियामेंट्स हैं आपकी उनमें या फिर जो सेनेट वगैरह सारा कुछ वहाँ पे लॉबीज का असर होता है, तो जो लॉ मेकर्स हैं आपके, चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में है या सेनेट में है, चाहे वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में है या सेनेट में है, दे आर अफेक्टेड बाय दोज ओपिनियंस एंड इन्फ्लुएंसेस, और फिर वो
इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, नहीं जी ठीक है थोड़ी बहुत रिसाइकलिंग कर लें बाकी रहने दें। कुछ सेक्टर्स को फॉर एग्जांपल वो प्रेफर कर देते हैं कि इन पे रिसाइकलिंग लाजमी होनी चाहिए, जो दूसरा उसके अपने किसी कज़न वगैरह का है या भाई का बड़ा सारा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उस तरह के प्रोजेक्ट पे हो सकता है वो रिसाइकलिंग कंपल्सरी जो है वो ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर है जी मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस और प्रोसेसिंग कॉस्ट। एक पहले सबसे पहले उसकी सेटिंग अप कॉस्ट है जो कि कैपिटल की फॉर्म में आती है, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट है कि उसको रन करते हुए जो कोई ख़राबियां हैं या फिर उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ताकि वो ज़्यादा देर चले, जो मेजर लिए जाते हैं वो सारे मेंटेनेंस कॉस्ट में आते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट है, उसके भी ऊपर भी पैसे लगते हैं। सिमिलरली प्रोसेसिंग कॉस्ट है कि जनाब जो प्रोसेस उधर होने हैं रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स में, उनके लिए भी आपकी कॉस्ट लगेगी। केमिकल्स आपने इंपोर्ट करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं, वट्स एवर, फिर लोकली बनाने हैं या नहीं बनाने, कोई और चीज़ें हैं, कोई नई मशीनरी है, सारा कुछ है वो उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, गैस वगैरह का, ऑल दैट इज़ प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इन सारों की वजह से हम कहते हैं जी कि अक्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास रिसाइकलिंग के, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी वे फॉरवर्ड अप्रोचेज में। जाहिर है कि अगर हमने उसके चैलेंजेस दे दिए हैं या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे दिए हैं, उनके कॉजेस दे दिए हैं, फिर सॉल्यूशंस भी हमें देने पड़ेंगे। सो फॉर द सॉल्यूशंस वी हैव सम अप्रोचेज हेयर। नंबर वन, वी हैव इम्प्लीमेंट इफेक्टिव वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज़। के जो पहले हमने बात की थी कि वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज़ जो है वो हमारे पास कम है, तो इफेक्टिव वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज़ अपनाएं ताकि आपका वेस्ट प्रोड्यूस ही कम से कम हो। उससे ये होगा कि उसके ऊपर बोझ कम पड़ेगा, आपको रिसाइकलिंग प्लांट्स भी कम लगाने पड़ेंगे, उनकी मेंटेनेंस या प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है जी, नंबर वन भी है। नंबर टू इज़ अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर मोर एफिशिएंट। अब आप कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते रहें, साथ साथ रिसर्च करेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको नए मेथड्स ऐसे मिलना शुरू हो जाएंगे जिसके कॉस्ट भी कम है और फिर उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। जो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे दैट मींस के उनके उनसे जो फ्लू गैसेस हैं वो भी कम प्रोड्यूस होंगी और उनसे मोर इफेक्टिव रिसाइकलिंग भी हो सकेगी, या फिर बेटर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी आप बना सकते हैं थ्रू रिसाइकलिंग। ठीक है जी, सो इन्वेस्ट एंड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, इन्वेस्ट इन एंड अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज एक्चुअली। मैक्सिमाइजिंग द यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड मटीरियल्स, के लोकल मटीरियल्स और रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करें इंस्टेड ऑफ फॉरेन। आप देखेंगे जी कि रिसाइकलिंग के बारे में एक ये भी आता है कि जी हम रिसाइकल इसलिए नहीं करते क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जर्मनी से या अमेरिका से हमें मंगवानी पड़ती है, तो ये अब कौन इतने पैसे लगाएगा। ठीक है, तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन आर लोकल रिसोर्सेज एंड मटीरियल्स, वी नीड टू इन्वेस्ट इन आर लोकल रिसर्च। अपने जो हमारे मुल्क है उसके अपने वेस्ट क्या क्या है उनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इनको किस तरह से हम इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं उसके ऊपर रिसर्च हो। सारी रिसर्च बैक जो आपके पास फाइंडिंग्स आएंगी उसकी बेस पे आप लोकल मटेरियल्स और लोकल रिसोर्सेज जो हैं उनको जनरेट करें और उनको यूज़ करें। उससे ना सिर्फ आपकी आपकी डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़ कम होगी, उससे ये भी होगा कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो इम्पोर्ट्स पे कॉस्ट ज़्यादा लगती है जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट भी होता है। दूसरा ये है कि बाहर से मंगवाने में टाइम डिलेज भी आते हैं, बाहर से मंगवाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है। ठीक है, तो लोकल जितना प्रोजेक्ट होगा उतना वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। दिस इज हाउ वी कैन मेक रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव। नंबर फोर इज इंसेंटिवाइजिंग द रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स। तो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इंसेंटिवाइज करें। इंसेंटिव्स देना मतलब कि उनको आप सब्सिडीज, ग्रांट्स, सब्सिडीज दें, ग्रांट्स दें उनको। सब्सिडीज सिंपली मीन्स कि जनाब एक रिसाइकलिंग का प्लांट है फॉर एग्जांपल, उसमें कोई मशीन लगनी है एंड दैट कॉस्ट 10 लाख। ठीक है जी, हमने बाहर से इम्पोर्ट करनी है या फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो 10 लाख की दे रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कैन इंसेंटिवाइज या फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे सकती है कि जी जो भी रिसाइकलिंग प्लांट लगाना चाहता है गवर्नमेंट विल पे 1 लाख और 2 लाख फ्रॉम इट्स ओन साइड इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सब्सिडी। यही आपको फर्टिलाइजर्स वगैरह में या एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखने को मिलता है। दूसरा जो सीमेंट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें हमने देखा कि इमरान खान के दौर में उसको सब्सिडी दी गई थी जिसकी वजह से हमारे पास कंस्ट्रक्शन का भी काफ़ी बूम आया है रिसेंटली। ठीक है जी, तो ग्रांट्स और सब्सिडी से आप रिसाइकलिंग को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं।
नंबर फाइव, चेंजिंग बिहेवियर्स, एनकरेजिंग द यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स। मैंने पहले आपको चैलेंजेस में ये बताया था, या फिर आई गेस के क्यों ज़रूरी है उसमें ये बताया था कि भाई हमारे अंदर बिहेवियर नहीं है, हम वी रिफ्यूज टू यूज़ द रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, जबकि जो अंग्रेज़ हैं या जो एडवांस्ड नेशन है दे आर हैप्पी टू यूज़ द रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स। उनकी ना सिर्फ कॉस्ट कम होती है बल्कि उससे जो माहौल के ऊपर असरात हैं और जो आपकी लिविंग के ऊपर असरात हैं वो बड़े पॉजिटिव होते हैं, और वो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए दे आर हैप्पी टू यूज़ दोज रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। फिर अजी, बिल्डिंग कंसेंसस ओवर द स्ट्रेटजीज फॉर रिसाइकलिंग, कि इस इशू को आप पोलिटिसाइज ना होने दें, इसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज ना बनने दें, बल्कि इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करें सारी सारी पार्टीज का, सारे स्टेक होल्डर्स का, और उनको एक कंक्रीट स्ट्रेटजी के मुताबिक चलने की हिदायत करें ताकि रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एफिशिएंटली चल सकें और एफिशिएंटली हम उनको कैरी आउट कर सकें या लगा सकें, वॉट एवर यू मे वाना कॉल दैट। सो दिस वॉज इट फ्राम टूडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया है, उसके तीन चार एस्पेक्ट्स भी हमने देखे, काफ़ी सारे पॉइंट्स भी, 19-20 पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस किए हैं। मज़ीद पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, मुझे लिख के बताएं कि आपके पास और कौन सी स्ट्रैटीज़ हैं, कौन से इफेक्ट्स हैं, सोल्यूशन हैं एक्सेट्रा जो आपके जहन में आ रहे हैं, ताकि हम मज़ीद इस चीज़ में ऐड कर सकें। और इस टॉपिक के ऊपर अपनी आउटलाइंस आप बना के मुझे इसी नंबर पर भेज सकते हैं जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, देयर इट इज़, ये वाला नंबर। ठीक है जी, और टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।